ये मोटरसाइकिल बजाज पल्सर सीरीज की आखिरी उम्मीद है। हेलो राइडर्स, मेरा नाम है रोहित एंड वेलकम टू रिच इंडिया मोटो। पोलैंड में रिसेंटली बजाज पल्सर ने अपनी पल्सर 125 NS लॉन्च की है और उम्मीद है कि ये पल्सर 125 NS जल्दी ही इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगी। तो मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये बजाज पल्सर की आखिरी उम्मीद है, क्योंकि बजाज पल्सर की जितनी भी मोटरसाइकिल हैं वो सारी प्रीमियम मोटरसाइकिल होती जा रही हैं धीरे धीरे, जैसे कि पल्सर RS, पल्सर NS और पल्सर AS। इन सारी मोटरसाइकिल की कीमत 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा की है। तो जिन लोगों का बजट 1 लाख का नहीं है, वो 1 लाख अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या वो लोग पल्सर मोटरसाइकिल नहीं ले सकते हैं? पल्सर 150 और 180 भी हैं लाइन में, लेकिन उनको लोग लेना इतना पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत पुराना मॉडल हो चुका है, बहुत रेट्रो लुक देने लगा है। बजाज ने पल्सर में कुछ नियॉन कलर्स ऐड किए हैं लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। तो लोगों को चाहिए बिल्कुल कुछ अलग, कुछ नया। तो इसी उम्मीद की मैं बात कर रहा हूँ, पल्सर 125 NS ये उम्मीद हो सकती है। पल्सर 125 NS ये रिप्लेस करेगी पल्सर 135 को। अगर आपको याद होगा तो ये मॉडल पल्सर 135 जो है डिसकंटिन्यूड हो चुका है, अब इसकी जगह लेगा पल्सर 125 NS। इसकी एक्सपेक्टेड जो कीमत है 65,000 हो सकती है इंडिया में। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 124.4 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट वाला इंजन आपको मिलेगा। ये इंजन प्रोड्यूस करेगा 12 PS की पावर एट 8500 RPM, 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट 6000 RPM। तो काफ़ी ज़्यादा हाई रेविंग इंजन है। इस पल्सर NS125 का जो वेट होगा 125 kgs ड्राई होगा। अगर इसको हम कंपेयर करें पुरानी पल्सर 135 से तो इसका वेट 5 से 6 kg बढ़ चुका है। वो वेट इसलिए बढ़ा है क्योंकि इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी बढ़ चुकी है। इस मोटरसाइकिल में आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 10.5 लीटर्स की और इस मोटरसाइकिल की फ्यूल इकोनॉमी होगी 50-55 किलोमीटर पर लीटर। स्प्लिट सीट का डिज़ाइन इसमें आपको देखने को मिलेगा जो कि पल्सर NS की सभी सीरीज़ में आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको याद होगा कि पल्सर 135 में एक सिंगल सीट हुआ करती थी, जैसे कि बाकी पल्सर मोटरसाइकिल्स में आती हैं। डिजिटल स्पीडोमीटर होगा और एनालॉग टैकोमीटर होगा, मतलब RPM जो है उसमें एनालॉग होंगे। ये दो ट्रिप्स आप इसमें सेट कर पाएंगे। फ्रंट में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे। ये होंगे CBS, मतलब कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इसमें आपको दिया जाएगा। CBS का मतलब ये है कि जब आप पीछे का ब्रेक अप्लाई करते हैं तो 80% पावर आपके पीछे वाले ब्रेक में लगेगी और 20% पावर आपका फ्रंट डिस्क ब्रेक में भी जाएगी। तो इसका मतलब दोनों ब्रेक्स आपके एक साथ लगेंगे। पल्सर NS125 में आपको ABS इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से अगर देखा जाए या फिर RTO की गाइडलाइन के हिसाब से देखा जाए तो 125 cc या फिर उससे ज़्यादा की मोटरसाइकिल में ABS देना ज़रूरी है। 125 cc से कम की जो भी मोटरसाइकिल हैं उनमें ABS देना ज़रूरी नहीं है। अच्छी बात है अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर इस मोटरसाइकिल में आपको ABS दिया गया तो इसकी कीमत 5,000-6,000 और बढ़ सकती है। हेडलाइट में आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलाइट मिलते हैं। अब पल्सर ने ये 125 NS क्यों निकाली है? पल्सर ने 125 NS इसलिए निकाली है क्योंकि इंडिया में बहुत से राइडर्स ऐसे हैं, बहुत कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो कि पल्सर 160 NS या फिर NS200 अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो 1 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा की मोटरसाइकिल हैं। तो इंडियन मार्केट को चाहिए था कुछ नया और कुछ अफोर्डेबल, तो बजाज ने वही इंडियन मार्केट को, इंडियन राइडर्स को दिया है
पल्सर एनएस 125। उम्मीद है कि ये मोटरसाइकिल इंडिया में जब लॉन्च होगी तो ये ऑलरेडी BS6 कंप्लाइंट होगी, ताकि पल्सर को इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस ना करने पड़े। तो अगर आपको ऑप्शन मिले पल्सर 150 और पल्सर एनएस 125 में से चूज़ करने का, तो आप किस मोटरसाइकिल को चूज़ करेंगे ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। एक बार फिर से इसकी एक्सपेक्टेड जो लॉन्च है वो इंडिया में अगस्त या फिर सितंबर में हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू रिच इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।